तो क्या चाहिए लोग, स्वागत है फिर से आपका टैग टैलेंट हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज भाई मैं आपको बताने वाला हूँ भाई प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाए भाई, एकदम अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाए भाई, जिसको देखकर लोग सीधा आपके वीडियो पर आए। इसके लिए आपको चाहिए भाई पिक्सल लैब एप्लीकेशन, जो कि आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ इसको ओपन करने के बाद आपको कैंसिल पर क्लिक करना और न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करके ऊपर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद भाई आपको जाना है थ्री डॉट पे, राइट साइड में सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पे थ्री डॉट पे जाना है आपको, और फिर जाना है भाई इमेज साइज पे। आपको थंबनेल बनाने इसलिए इमेज साइज पे जाना है और यहाँ पर कस्टम पे क्लिक कर देना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है यूट्यूब थंबनेल। इसको क्लिक करने के बाद भाई आपको ओके पे क्लिक कर देना है और सबसे ऊपर वाले लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा होगा आपको, इस प्लस वाले आइकन पे जाना है और ये वाला वाइट, कोई सा भी वाइट आप जैसा बैकग्राउंड रखना चाहो आपके थंबनेल का वैसा रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली से वाइट कलर का रख लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रे कलर का थंबनेल बैकग्राउंड रख लेता हूँ मैं यहाँ पर। और इसके बाद भाई आपको यहाँ से सेलेक्ट कर दें और फिर से जाना भाई आपको प्लस वाला आइकन पे और फिर से फ्रॉम गैलरी, और इस बार आपको सेलेक्ट करना है भाई आपका फोटो पीएनजी। तो मेरा खुद का तो है नहीं इसलिए मैं ये वाला पीएनजी रख लेता हूँ, और ये वाला रखने के बाद भाई आप इसको, मैंने तो ये रखा है आप अपना खुद का रख सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। इसको एडजस्ट करने के बाद भाई आप सिंपली से इस तरीके से इसे रख सकते हो। उसके बाद आपको जाना है भाई सेंटर में, सेंटर वाले ऑप्शन पे, डबल लेयर वाले ऑप्शन पे, और थोड़ा सा इधर ड्रैग करना है और आपको इधर ऑप्शन दिखेगा स्ट्रोक, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको भाई सिंपली से इसे कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद भाई आपके पीएनजी के आसपास लाइन डालने के लिए, स्ट्रोक डालने के लिए यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं सिंपली से रेड कलर वाला करता हूँ और ओके कर देता हूँ। देख सकते हो आप पीएनजी के आसपास में रेड कलर की लाइन आ चुकी है। उसके बाद जाना है ए वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर टेक्स्ट पर, यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली से एडिट वाले ऑप्शन पेंसिल बनी होगी इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है और यहाँ पर आप भाई अपने थंबनेल पे कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू इधर करके ओके कर देता हूँ, और इसको भाई आप थोड़ा इसके ला कर इधर बड़ा कर देता हूँ मैं। इसको एडजस्ट करने के बाद जाते हैं थोड़ा नीचे ड्रैग करके और कलर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर सिंपली से आप जैसा चाहे वैसा कलर रख सकते हो। तो मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ, और इसका फ्रंट बोलते इसकी स्टाइल, तो इसकी स्टाइल को मैं यहाँ पर मीम फ्रंट के कर देता हूँ और इसको कर देते हैं ओके। उसके बाद जाना है आप भाई बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, टी वाला आइकन पे, इसके बाद इसे इनेबल कर देना है। और यहाँ से आप जैसा टेक्स्ट का बैकग्राउंड रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो, मैंने ब्लैक रखा है। फिर से जाना है ए वाले ऑप्शन पे, प्लस वाला आइकन, ए वाले ऑप्शन पे जाने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पे, न्यू टेक्स्ट को डिलीट किया और हाउ टू मेक ए, मैं इसका रेड कलर कर देता हूँ और इसका फ्रंट कर देते हैं। ये सेम मीम फ्रंट। उसके बाद इसकी साइज को थोड़ा, इसके बैकग्राउंड को करते हैं सेलेक्ट। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद इसे इनेबल करते हैं और इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं वाइट कलर का। उसके बाद फिर से ये वाले ऑप्शन पे इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, फिर से एडिट वाले ऑप्शन पे इसको ए को थोड़ा हटा देते हैं या फिर इसके पीछे थोड़ी जगह कर देते हैं।
नहीं यार, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा करते हैं, हम इस ए को हटा देते हैं, हाउ टू मेक ऐसे ही रहने देते हैं। हाउ टू मेक, लिखता हूँ मेक, ए लिख देता हूँ फिर से। लेकिन यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, फिर ऐसे करते हैं, इसको बाद में हटा देंगे हम। तो फिर से ज़्यादा एडिट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर लिखता है हाउ टू मेक ए यूट्यूब थंबनेल। इसको कर देते हैं ओके, और इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पर मैं सिंपली से इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, और इसका फंट हम सेम ही रखेंगे, मीम फंट। तो यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते हैं, इसका फंट कर देते हैं ये वाला, और इसको टेक्स्ट बैकग्राउंड करते हैं इसका सफ़ेद कलर का या फिर वाइट कलर का। ये करने के बाद आप सिंपली से इसे करते हैं राइट, और अब इसका इलाज करते हैं मेक ए वाले का। इसको एडजस्ट करके मेक ए वाले से मेक ए हटा देते हैं, ओनली मेक रखते हैं, और इसको यहाँ पर सेंटर में ले आते हैं। और यहाँ पर देखो भाई, अब ये लग रहा है भाई एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल थंबनेल, हाउ टू मेक ए यूट्यूब थंबनेल। तो ये सेम थंबनेल मैं अभी डालूँगा वीडियो पे। इसको थोड़ा एडजस्ट वेडजस्ट कर देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं भाई ऊपर सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन से। इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सिंपली से आपको कर देना है सेव इमेज पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।